साइकिल का इतिहास बहुत पुराना है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में साइकिल की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। साइकिल को विश्व में सबसे लोकप्रिय साधन के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से साइकिल की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ी है। साथ ही लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साइकिल की तरफ लौट रहे हैं और समय के साथ बहुत परिवर्तन भी होता गया, जिसके कारण साइकिल की डिमांड हमेशा बनी रहती है। साइकिल की डिमांड ज्यादा होने के कारण साइकिल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, साइकिल चेन और हब की भी डिमांड काफी ज्यादा है। साइकिल चेन एक रोलर चेन होती है जो पेडल से ड्राइव व्हील में पावर ट्रांसफर करती है ताकि साइकिल का पहिया आसानी से घूम सके। वहीं साइकिल हब बाइक के पहियों का मध्य भाग होता है जो स्पोक के माध्यम से पहिए के रिम से जुड़ता है और जिसके माध्यम से एक्सल फिट किया जाता है, जिससे पहिया बेयरिंग के दो सेट्स पर फ्रीली स्पिन होता है। इन पार्ट्स की डिमांड आने वाले भविष्य में भी बनी रहने वाली है और अगर आप भी कम लागत में किसी बिजनेस को शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज उद्यमी आपके लिए लेकर आया है साइकिल चेन और हब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। प्रोसेस। आइए अब जानते हैं साइकिल चेन और हब बनाने की प्रक्रिया के बारे में। साइकिल चेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारे रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना होगा, फिर कंपाउंड टूल्स की मदद से 75 टन की प्रेसेस में लिंक्स को बनाया जाता है, जिसके बाद इन्हें हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस में प्रोसेस किया जाता है। अब कंपोनेंट्स जैसे बुश, रोलर, पिंस आदि को हीट फर्नेसेस में से निकालकर असेंबली मशीन में लाया जाता है और फीडर वेसल्स में फीड किया जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक मशीन्स में फाइनल चेन असेंबल होती है। चेन्स तैयार होने के बाद इनकी ब्रेकिंग लोड टेस्ट की जाती है ताकि जब इन चेन्स को साइकिल पर फिट किया जाए तो ये एक सर्टेन लोड सस्टेन कर पाए और ISI स्टैंप लगाकर पैकेजिंग मशीन या मैनुअली पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये तो हुआ साइकिल चेन बनाने का प्रोसेस। अब हम आपको बताते हैं साइकिल हब बनाने का प्रोसेस। साइकिल हब बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेंजेस को बनाया जाता है, जिसके लिए माइल्ड स्टील की जरूरत होती है और प्रोसेस शुरू करने से पहले माइल्ड स्टील शीट को लैब में टेस्ट किया जाता है और अप्रूवल के बाद टूल्स और डाइस को ड्रॉ करने के लिए प्रेसेस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ड्रॉ करने के बाद थ्रेडिंग की मदद से फ्लेंजेस बनाए जाते हैं। इसके बाद माइल्ड स्टील के पाइप्स को कट किया जाता है और फ्लेंजेस को दोनों साइड्स पर फिक्स किया जाता है। अब इसके सेंटर में माइल्ड स्टील एक्सल और स्टील बॉल्स को मैनुअली असेंबल किया जाता है। अब आपका साइकिल हब बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। साइकिल चेन और हब बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर आपको मीडियम कार्बन स्टील, फ्लैटेंड वायर, स्टील पाइप, ग्रीस, बियरिंग्स, लॉकनट्स, स्पेसर्स, कैप्स और एक्सल की जरूरत होगी। वहीं जिन मशीन्स की मदद से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो है प्रेसिंग मशीन, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, स्पेशल पर्पस कर्लिंग, स्पेशल पर्पस असेंबली, फोरगो प्रेसिंग मशीन, थ्रेडिंग मशीन, टेस्टिंग इक्विपमेंट और मिसलेनियस की आवश्यकता होगी। एरिया। इस पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर प्रोडक्शन पैकेजिंग का एरिया भी इंक्लूड होता है। मैन पावर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 15 से 20 लोगों की आवश्यकता होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और अन्य वर्कर शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 60 से 70 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 35 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस बिजनेस से आप लगभग 13 से 17% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइसेंसेस एंड स्कीम्स। तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो है GST और उद्यम। आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आप बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी, तो आज ही इस व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आप बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526 000 444 पर भी कॉल कर सकते हैं।